ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य गुणमाला बुक सीरीज का टॉपिक है अचल। पार्ट थ्री अव्यक्तवाणी 15 अप्रैल 81। हर सेकंड, हर श्वास, हर संकल्प अखुट खजाने प्राप्त करने वाले ऐसी आत्मा को जीवन के हर कदम में चढ़ती कला की अनुभूति होती है। चारों ओर अनेक प्रकार के खजाने ही खजाने दिखाई देते। हर आत्मा अपने अति स्नेही अनादि संबंध के स्वरूप से अपनी लगती है। हर आत्मा एक बाप की संतान होने के कारण भाई भाई लगती है। हर आत्मा के प्रति यही शुभ भावना, शुभ कामना इमर्च रूप में रहती है कि यह सर्व आत्माएं सदा सुखी और शांत हो जाएं। बेहद का परिवार और बेहद का स्नेह होता। हद में दुख होता है, बेहद में दुख नहीं होता, क्योंकि बेहद में आने से बेहद का संबंध, बेहद का ज्ञान, बेहद की वृत्ति, बेहद का रूहानी स्नेह दुख को समाप्त कर सुख स्वरूप बना देते हैं। रूहानी नॉलेज के कारण हर आत्मा की कर्म कहानी के पार्ट के संस्कारों की लाइट और माइट होने के कारण जो भी देखेंगे, सुनेंगे, संपर्क में, संबंध में आएंगे, हर कर्म में अति न्यारे और अति प्यारे होंगे। न्यारे और प्यारे बनने की समानता होगी। किस समय प्यारा बनना है, किस समय न्यारा बनना है, यह पार्ट बजाने की विशेषता आत्मा को सदा सुखी और शांत बना देती है। रूहानी संबंध होने के कारण बुद्धि सदा एकाग्र रहती है, हलचल में नहीं आते हैं। अभी दुखी, अभी सुखी, यह हलचल समाप्त हो जाती है। साथ साथ एकाग्रता के कारण निर्णय शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सर्व शक्तियाँ हर आत्मा के पार्ट और अपने पार्ट को अच्छी तरह से जानकर पार्ट में आते हैं, इसलिए अचल और साक्षी रहते हैं। ऐसी तकदीरवान आत्मा हर संकल्प और कर्म को, हर बात को त्रिकालदर्शी की स्थिति में स्थित हो देखती है, इसलिए क्वेश्चन मार्क समाप्त हो जाता। यह क्यों, यह क्या, यह क्वेश्चन मार्क है, सदा फुल स्टॉप। सभी को तीन बिंदी का तिलक लगा हुआ है ना, उसमें आश्चर्य नहीं लगता। नथिंग न्यू, क्या हुआ, नहीं, क्या करना है, यह है नंबर वन तकदीरवान। अव्यक्तवाणी 15 अप्रैल 81। जितना याद में रहेंगे उतना किसी भी प्रकार की हलचल को अचल बना सकते हैं। नथिंग न्यू, यह पाठ सदा पक्का रहे तो हलचल हो ही नहीं सकती। साइड सीन को देखकर रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ते जाएंगे। ऐसे बहादुर हो ना, हिम्मते बच्चे, मददे बाप। जो भी कुछ होता है साइड सीन है। साइड सीन के कारण मंजिल को नहीं छोड़ा जाता। चलते चलो, पार करते चलो तो मंजिल सदा समीप अनुभव करेंगे। आज यहाँ है, कल अपने राज्य में होंगे। वातावरण को पावरफुल बनाने वाले बनो, हिलने वाले नहीं। याद के पावरफुल प्रोग्राम रखो। वाचा सर्विस से भी ज़्यादा याद के प्रोग्राम रखने चाहिए। वाणी में भी आने से कहाँ कहाँ नीचे आ जाते हैं, इसलिए कुछ समय याद का किला मजबूत बनाकर फिर सेवा के मैदान पर आओ। जो बात आती है वह चली भी जाती है। जैसे बात आती है और चली जाती है तो आप समझो यह साइड सीन आई और चली गई। वर्णन भी नहीं करो, सोचो भी नहीं, इसको कहा जाता है फुल स्टॉप।
अव्यक्त वाणी 27 अक्टूबर 81। बेहद बाप के बच्चे चार दीवारों की हद में कैसे समा सकते हैं। ऐसा भी समय आएगा जब बेहद के हॉल में यह चार तत्व चार दीवारों का काम करेंगे। कोई मौसम के नीचे ऊपर होने के कारण छत की व दीवारों की आवश्यकता ही नहीं होगी। कहाँ तक बड़े हॉल बनाएंगे? यह प्रकृति भविष्य की रिहर्सल आपको यहाँ ही अंत में दिखाएगी। चारों ओर कितने भी किसी तत्व द्वारा हलचल हो, लेकिन जहाँ आप प्रकृति के मालिक होंगे, वहाँ प्रकृति दासी बन सेवा करेगी। सिर्फ आप प्रकृति जीत बन जाओ। प्रकृति आप मालिकों का अब से आह्वान कर रही है। वह दिव्य दिवस जिसमें प्रकृति मालिकों को माला पहनाएगी, कौन सी माला पहनाएगी? चंदन की माला पहनेंगे व हीरे रत्नों की पहनेंगे? प्रकृति सहयोग की ही माला पहनाएगी। जहां आप प्रकृति चीत ब्राह्मणों का पांव होगा, स्थान होगा, वहां कोई भी नुकसान हो नहीं सकता। एक दो मकान के आगे नुकसान होगा, लेकिन आप सेफ होंगे। सामने दिखाई देगा, यह हो रहा है, तूफान आ रहा है, धरने हिल रही है, लेकिन वहां सूली होगी, यहां कांटा होगा, वहां चिल्लाना होगा, यहां अचल होंगे। सब आपके तरफ धूल सूक्ष्म सहारा लेने के लिए भागेंगे। आपका स्थान ऐसलम बन जाएगा। तब सबके मुख से अहो प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है, यह बोल निकलेंगे। धन्य हो, धन्य हो, आप लोगों ने पाया, हमने नहीं जाना, गवाया। यह आवाज चारों ओर से आएगा। अव्यक्त वाणी 18 नवंबर 81। माया जीत बनने के साथ साथ प्रकृति जीत भी बनो। सदा माया जीत और प्रकृति जीत हो। माया जीत तो बन ही रहे हो, लेकिन प्रकृति जीत भी बनो, क्योंकि अभी प्रकृति की हलचल तो बहुत होनी है ना। हलचल में अचल रहो, ऐसे अचल बने हो। कभी समुद्र का जल अपना प्रभाव दिखाएगा, तो कभी धरनी अपना प्रभाव दिखाएगी। अगर प्रकृति जीत होंगे, तो प्रकृति की कोई भी हलचल अपने को हिला नहीं सकेगी। सदा साक्षी होकर सब खेल देखते रहेंगे। अव्यक्त वाणी 12 जनवरी 82। साइंस भी श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी है। थोड़ी सी हलचल होने दो और स्वयं को अचल बना दो, फिर देखो आप रूहानी चुंबकपन अनेक आत्माओं को कैसे सहज खींच लेंगे। क्योंकि दिन प्रतिदिन आत्माएं ऐसी निर्बल होती जाएंगी जो अपने पुरुषार्थ के पांव से चलने योग्य भी नहीं होंगी। ऐसी निर्बल आत्माओं को आप शक्ति स्वरूप आत्माओं की शक्ति अपने शक्ति के पांव दे करके चलाएगी, अर्थात बाप की तरफ खींच लेगी। तो आज बाप दादा ऐसे आधारभूत बच्चों को देख रहे हैं। अगर आधार ही हिलता रहेगा, तो औरों का आधार कैसे बन सकेंगे? इसलिए आप अचल बनो, तो दुनिया में हलचल शुरू हो जाए। और जरा सी हलचल अनेकों को बाप तरफ सहज आकर्षित करेगी। एक तरफ कुंभकर्ण जागेंगे, दूसरी तरफ कई आत्माएं जो संबंध व संपर्क में भी आई हैं, लेकिन अभी अलबेलेपन की नींद में सोई हुई हैं, तो ऐसे अलबेलेपन की नींद में सोई हुई आत्माएं भी जागेंगी। लेकिन जगाने वाले कौन? आप अचल मूर्त आत्माएं। समझा? सेवा रूप ऐसे बदलने वाला है, इसके लिए शिव शक्ति स्वरूप। अव्यक्त वाणी 3 अप्रैल 82।
जैसे बाप सदा विश्व कल्याणकारी है, ऐसे बच्चे भी विश्व कल्याणकारी। तो हर समय यह चेक करो कि जो भी कर्म करते हैं, जो भी बोल बोलते हैं, वह बाप समान है। बाप से मिलाते चलो और कदम उठाते चलो तो समान बन जाएंगे। जैसे बाप सदा संपन्न है, सर्वशक्तिवान है, वैसे ही बच्चे भी मास्टर बन जाएंगे। किसी भी गुण और शक्ति की कमी नहीं रहेगी। संपन्न है तो अचल रहेंगे, डगमग नहीं होंगे। अव्यक्तवाणी 28 अप्रैल 82। सर्वंश त्यागी सदा अपने को हर श्रेष्ठ कार्य के, सेवा की सफलता के कार्य में, ब्राह्मण आत्माओं की उन्नति के कार्य में, कमजोरी व व्यर्थ वातावरण को बदलने के कार्य में जिम्मेवार आत्मा समझेंगे। सेवा में विघ्न बनने के कारण व संबंध संपर्क में कोई भी नंबरवार आत्माओं के कारण जरा भी हलचल होती है तो सर्वंश त्यागी बेहद के आधार मूर्त समझ चारों ओर की हलचल को अचल बनाने की जिम्मेवारी समझेंगे। ऐसे बेहद की उन्नति के आधार मूर्त सदा स्वयं को अनुभव करेंगे। अव्यक्तवाणी 14 अप्रैल 83। आज दूर देशवासी बच्चों से मिलने के लिए बच्चों के साकारी लोक में साकार का आधार ले बच्चों को और इस साकारी पुरानी दुनिया को भी देख रहे हैं। पुरानी दुनिया अर्थात हलचल की दुनिया, बाप दादा हलचल की दुनिया की रौनक देख बच्चों की अचल स्थिति को देख रहे थे। यह सब हलचल के नज़ारे साक्षी हो देखते हैं। खेल में यह नज़ारे और ही अपना अचल स्वीट होम और अपनी निर्विघ्न स्वीट राजधानी याद दिलाते हैं। स्मृति आती है कि हमारा घर हमारा राज्य क्या था और अब भी क्या राज्य आने वाला है और घर जाने वाले हैं। अव्यक्तवाणी 9 मई 83। कभी भी अपनी शक्तियों को मिसयूज नहीं करना। सदा यह याद रखो कि हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। एक कमज़ोर तो एक के पीछे एक का संबंध है। हम जिम्मेवार हैं, यह स्मृति सदा रहे। जो कर्म आप करेंगे आपको देख सब करेंगे, इसलिए साधारण कर्म नहीं सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाले सदा अचल रहने वाले। अव्यक्तवाणी 11 मई 83। कुमार हैं बाप दादा के कर्तव्य के सितारे। सेवा के निमित्त तो कुमार बनते हैं ना, भागदौड़ भी कुमार करते हैं। जो भी सेवाएं होती हैं उसमें कुमारों का विशेष पाठ होता है तो विशेष पाठ लेने वाली विशेष आत्माएं हैं। यह नशा रखो, इसी खुशी में रहो तो देखेंगे कुमार ग्रुप क्या करके दिखाते हैं। कुछ करके दिखाना, सिर्फ कहकर नहीं। सेवा के उमंग उत्साह वाले हैं, निश्चय बुद्धि हैं, अचल हैं, हिलने वाले नहीं हैं। ऐसे ही अचल आत्माएं औरों को भी अचल बनाकर दिखाओ। अव्यक्तवाणी 5 दिसंबर 83। सदा अचल अडोल स्थिति में रहने वाली अंगद के समान श्रेष्ठ आत्माएं हैं। इसी नशे और खुशी में रहो, क्योंकि सदा एक के रस में रहने वाले, एक रस स्थिति में रहने वाले सदा अचल रहते हैं। अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 83। जितना लौकिक दुनिया में जिस स्थान पर हलचल हो उसी हलचल के स्थान पर सदा खुशी की अचल स्थिति का झंडा लहराना। गवर्नमेंट हलचल में हो और गुप्त प्रभु रतन
सदा संपन्न सदा अचल का विशेष झंडा लहराएं। अव्यक्त वाणी 31 दिसंबर 1983। सदा अपने को निश्चय बुद्धि विजयी रतन समझते हो, सदा के निश्चय बुद्धि अर्थात सदा के विजयी। जहाँ निश्चय है वहाँ विजय स्वतः है, अगर विजय नहीं तो निश्चय में कहाँ ना कहाँ कमी है। चाहे स्वयं के निश्चय में, चाहे बाप के निश्चय में, चाहे नॉलेज के निश्चय में, किसी भी निश्चय में कमी माना विजय नहीं। निश्चय की निशानी है विजय। अनुभवी हो ना, निश्चय बुद्धि को माया कभी भी हिला नहीं सकती। वह माया को हिलाने वाले होंगे, स्वयं हिलने वाले नहीं। निश्चय का फाउंडेशन अचल है तो स्वयं भी अचल होंगे। जैसा फाउंडेशन वैसी मजबूत बिल्डिंग बनती है। निश्चय का फाउंडेशन अचल है तो कर्म रूपी बिल्डिंग भी अचल होगी। अव्यक्त वाणी 31 दिसंबर 1983। सदा अपने को बाप के साथ रहने वाले, सदा के सहयोग लेने वाली आत्माएं समझते हो, सदा साथ का अनुभव करते हो। जहाँ सदा बाप का साथ है वहाँ सहज सर्व प्राप्ति है। अगर बाप का साथ नहीं तो सर्व प्राप्ति भी नहीं, क्योंकि बाप है सर्व प्राप्तियों का दाता। जहाँ दाता साथ है वहाँ प्राप्तियाँ भी साथ होंगी। सदा बाप का साथ अर्थात सर्व प्राप्तियों के अधिकारी। सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्माएं अर्थात भरपूर आत्माएं सदा अचल रहेंगी। भरपूर नहीं तो हिलते रहेंगे। संपन्न अर्थात अचल। अव्यक्त वाणी 1 अप्रैल 1984। आज का संसार मृत्यु के भय का संसार है। आंधी तूफान आया, प्रकृति की हलचल में आप तो अचल होना। तमोगुणी प्रकृति का काम है हलचल करना, और आप अचल आत्माओं का कार्य है प्रकृति को भी परिवर्तन करना। नथिंग न्यू, यह सब तो होना ही है। हलचल में ही तो अचल बनेंगे। अव्यक्त वाणी 11 मई 1984। कुमार अर्थात सदा अचल, हलचल में आने वाले नहीं। अचल आत्माएं औरों को भी अचल बनाती हैं। अव्यक्त वाणी 17 दिसंबर 1984। आप सब किले की पक्की ईंटें हो। एक एक ईंट का बहुत महत्व है। एक भी ईंट हिलती तो सारी दीवार को हिला देती। तो आप ईंट अचल हो, कोई कितना भी हिलाने की कोशिश करे लेकिन हिलाने वाला हिल जाए, आप ना हिले। ऐसी अचल आत्माओं को, विघन विनाशक आत्माओं को बाप दादा रोज़ मुबारक देते हैं। ऐसे बच्चे ही बाप की मुबारक के अधिकारी हैं। ऐसे अचल अडोल बच्चों को बाप और सारा परिवार देखकर हर्षित होता है। अव्यक्त वाणी 26 दिसंबर 1984। योग युक्त बच्चे सदा छत्र छाया के अंदर रहे हुए हैं। योगी बच्चे पंजाब में नहीं रहते लेकिन बाप दादा की छत्र छाया में रहते हैं। चाहे पंजाब में हो चाहे कहाँ भी हो, लेकिन छत्र छाया के बीच रहने वाले बच्चे सदा सेफ रहते हैं। अगर हलचल में आए तो कुछ ना कुछ चोट लग जाती है, लेकिन अचल रहे तो चोट के स्थान पर होते हुए भी बाल बांका नहीं हो सकता। इसलिए बाप दादा का हाथ है, साथ है, तो बेफिक्र बादशाह होकर रहो और खूब ऐसे अशांत वातावरण में शांति की किरणें फैलाओ। ना उम्मीद वालों को ईश्वरीय सहारे की उम्मीद दिलाओ। हलचल वालों को अविनाशी सहारे की स्मृति दिलाए अचल बनाओ।
अव्यक्तवाणी 7 जनवरी 85। जितना संग होगा उतना रंग पक्का होगा, संग कच्चा तो रंग भी कच्चा। इसलिए पढ़ाई और सेवा दोनों का संग चाहिए, तो सदा के लिए पक्के अचल रहेंगे, हलचल में नहीं आएंगे। अव्यक्तवाणी 28 जनवरी 85। सर्वश्रेष्ठ मनसा शक्ति द्वारा चाहे कोई आत्मा सम्मुख हो, समीप हो वा कितना भी दूर हो, सेकंड में उस आत्मा को प्राप्ति की शक्ति की अनुभूति करा सकते हैं। मनसा शक्ति किसी आत्मा की मानसिक हलचल वाली स्थिति को भी अचल बना सकती है। मानसिक शक्ति अर्थात शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, इस श्रेष्ठ भावना द्वारा किसी भी आत्मा की संशय बुद्धि को भावनात्मक बुद्धि बना सकते हैं। अव्यक्तवाणी 24 मार्च 85। बाप दादा को भी हर बच्चे से मिलने में, हर बच्चे की मीठी मीठी रूहानी खुशबू लेने में मज़ा आता है। बाप दादा तो हर बच्चे के तीनों काल जानते हैं ना, और बच्चे सिर्फ अपने वर्तमान को ज़्यादा जानते हैं, इसलिए कभी कैसे हो जाते हैं। लेकिन बाप दादा तीनों कालों को जानने कारण उसी दृष्टि से देखते हैं कि यह कल्प पहले वाली हकदार है, अधिकारी है। अभी सिर्फ थोड़ा सा कोई हलचल में है, लेकिन अभी अभी हलचल, अभी अभी अचल हो ही जाना है। भविष्य श्रेष्ठ देखते हैं, इसलिए वर्तमान को देखते भी नहीं देखते, तो हर एक बच्चे की विशेषता को देखते हैं। अव्यक्तवाणी 30 मार्च 85। सेवा में तो सभी बहुत अच्छे हो, सेवा के साथ साथ निर्विघ्न सेवा का रिकॉर्ड हो। जैसे पवित्रता का आदि से रिकॉर्ड रखते हो ना, ऐसा कौन है जो संकल्प में भी आदि से अब तक अपवित्र नहीं बने हैं। तो यह विशेषता देखते हो ना, सिर्फ इस एक पवित्रता की बात से पास विद ऑनर तो नहीं होंगे, लेकिन सेवा में, स्वस्थिति में, संपर्क संबंध में, याद में, सभी में जो आदि से अब तक अचल है, हलचल में नहीं आए हैं, विघ्नों के वशीभूत नहीं हुए हैं। अव्यक्तवाणी 23 दिसंबर 85। अपने संतुष्टता की रोशनी से औरों को भी संतुष्ट बनाओ। पहले स्वयं से स्वयं संतुष्ट रहो, फिर सेवा में संतुष्ट रहो, फिर संबंध में संतुष्ट रहो, तभी संतुष्ट मणि कहलाएंगे। संतुष्टता के भी 3 सर्टिफिकेट चाहिए, अपने आप से, सेवा से, फिर साथियों से। यह 3 सर्टिफिकेट लिए हैं ना, अच्छा है। फिर भी दुनिया की हलचल से निकल अचल घर में पहुंच गई। यह बाप के स्थान अचल घर है, तो अचल घर में पहुंचना यह भी बड़े भाग्य की निशानी है। त्याग किया तो अचल घर पहुंची, भाग्यवान बन गई। लेकिन भाग्य की लकीर और भी जितनी लंबी खींचने चाहो उतनी खींच सकते हो। अव्यक्तवाणी 1 जनवरी 86। आपका उमंग देखकर स्वतः सेवा होती रहे। हर समय कोई सेवा की नवीनता का प्लान बनाते रहो। ऐसा प्लान हो जो विहंग मार्ग की सेवा का विशेष साधन हो। अभी ऐसी कोई कमाल करके दिखाओ। जब स्वयं निर्विघ्न हो, अचल हो, तो सेवा में नवीनता सहज दिखा सकते हो। जितना योग युक्त बनेंगे उतनी नवीनता टच होगी। ऐसा करना है और याद के बल से सफलता मिल जाएगी, तो विशेष कोई कार्य करके दिखाओ।
हर संकल्प में नया उमंग, नया उत्साह रहे। कल क्या थे, आज क्या बन गए? अभी पुराना संकल्प, पुराना संस्कार रहा तो नहीं है, थोड़ा भी नहीं। तो सदा इसी उमंग में आगे बढ़ते चलो। जब सब कुछ पा लिया तो भरपूर हो गए ना। भरपूर चीज़ कभी हलचल में नहीं आती। संपन्न बनना अर्थात अचल बनना। तो अपने इस स्वरूप को सामने रखो कि हम खुशी के खजाने से भरपूर भंडार बन गए। अव्यक्त वाणी 13 जनवरी 86। कभी किसी बात की थोड़ी सी भी चिंता हो जाती है, उसका कारण क्या होता? ज़रूर किसी ना किसी बात के निश्चय में कमी है। चाहे ड्रामा में निश्चय की कमी हो, चाहे अपने आप में निश्चय की कमी हो, चाहे बाप में निश्चय की कमी हो, तीनों ही प्रकार के निश्चय में ज़रा भी कमी है तो निश्चिंत नहीं रह सकते। सबसे बड़ी बीमारी है चिंता। चिंता में बीमारी की दवाई डॉक्टर्स के पास भी नहीं है। टम्पेरी सुलाने की दवाई दे देंगे, लेकिन सदा के लिए चिंता नहीं मिटा सकेंगे। चिंता वाले जितना ही प्राप्ति के पीछे दौड़ते हैं, उतना प्राप्ति आगे दौड़ लगाती है। इसलिए सदा निश्चय के पांव अचल रहे। सदा एक बल एक भरोसा, यही पांव है। निश्चय कहो भरोसा कहो, एक ही बात है। ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चों की विजय निश्चित है। अव्यक्त वाणी 16 मार्च 86। चाहे अपनी कमजोरियों की हलचल हो, संस्कारों के व्यर्थ संकल्पों की हलचल हो, ऐसी हलचल के समय स्वयं को अचल बना सकते हो, वह टाइम लग जाता है। क्योंकि टाइम लगना यह कभी भी धोखा दे सकता है। समाप्ति के समय में ज़्यादा समय नहीं मिलना है। फाइनल रिजल्ट का पेपर कुछ सेकंड और मिनटों का ही होना है, लेकिन चारों ओर की हलचल के वातावरण में अचल रहने पर ही नंबर मिलना है। अगर बहुत काल हलचल की स्थिति से अचल बनने में समय लगने का अभ्यास होगा तो समाप्ति के समय क्या रिजल्ट होगी? इसलिए यह रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास करो। देह, देह के संबंध, देह संस्कार, व्यक्ति या वैभव, वाइब्रेशन, वायुमंडल सब होते हुए भी आकर्षित ना करे। इसी को ही कहते हैं नष्टो मोहा समर्थ स्वरूप। तो ऐसी प्रैक्टिस है, लोग चिल्लाते रहें और आप अचल रहो। प्रकृति भी माया भी सब लास्ट दांव लगाने लिए अपने तरफ कितना भी खींचे, लेकिन आप न्यारे और बाप के प्यारे बनने की स्थिति में नवलीन रहो। इसको कहा जाता देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो। ऐसा अभ्यास हो, इसी को ही स्वीट साइलेंस स्वरूप की स्थिति कहा जाता है। अव्यक्त वाणी 9 अप्रैल 86। सदा अपने को अचल अडोल आत्माएं अनुभव करते हो, किसी भी प्रकार की हलचल में अचल रहना यही श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं की निशानी है। दुनिया हलचल में हो, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं हलचल में नहीं आ सकती। क्यों? ड्रामा की हर सीन को जानते हो, नॉलेजफुल हो। जो नॉलेजफुल होते हैं वह पावरफुल भी होते हैं। तो नॉलेजफुल आत्माएं, पावरफुल आत्माएं सदा स्वतः ही अचल रहती हैं। अव्यक्त वाणी 31 जनवरी 88। जैसे कहते हैं ना, सूत मूंज जाता है तो मुश्किल ही सुधरता है। अच्छी बात में भी मूंझेगा तो घबराने वाली बात में भी मूंझेगा, क्योंकि वृत्ति मूंझी हुई है, मन मूंझा हुआ है। तो स्वतः ही वृत्ति का प्रभाव दृष्टि पर और दृष्टि के कारण
सृष्टि भी मूंझी हुई दिखाई देगी। ब्रह्मा कुमारी जीवन अर्थात ब्रह्मा बाप समान मौज की जीवन, लेकिन इसका आधार है सहनशीलता। तो सहनशीलता की इतनी विशेषता है, इसी विशेषता के कारण ब्रह्मा बाप सदा अटल अचल रहे। ओम शांति।